वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महिला सुरक्षा कर्मी को न्याय दिलाने हेतु आरपीआई उत्तर पश्चिम जिला उपाध्यक्ष छायाताई खड़ांगले के नेतृत्व में बद समाज की महिलाओं ने निकाला एमआईडीसी पुलिस स्टेशन पर मोर्चा। बता दें कि गत 18 मार्च को अंधेरीपुर की एक इमारत में कार्यरत महिला सुरक्षा कर्मी कुमारी शिल्पा उबाले 25 वर्षीय के साथ गाली गलौज कर उसका कपड़ा फाड़ने का आरोप कमलेश्वर कामत के विरुद्ध पीड़िता ने लगाया था आरोप। इस मामले की शिकायत पुलिस ने उस समय दर्ज नहीं की थी। मंगलवार को आरपीआई की महिला नेताओं के हस्तक्षेप के बाद एमआईडीसी पुलिस ने कुमारी शिल्पा उबाले 25 वर्षीय की शिकायत पर कमलेश्वर कामत के विरुद्ध धारा 354, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। आरपीआई नेता छायाताई खड़ांगले ने इस मामले में स्थानीय शिवसेना के विधायक रमेश लटके पर गंभीर आरोप लगाया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। महिलांच्या बाबतीमध्ये कमी पडते, महिलेला न्याय मिळून देत नाही आहे। ही महिला आहे, 18 तारखेला याच्यावरती जो हल्ला झाला होता, एका पुरुषाने तिच्यावरती हल्ला केला होता, तिला मारहाण केली, तिला शिवीगाळ केली व तिचे कपडे वगैरे काय फाडले होते। त्यानंतर हे दोघंही पोलीस स्टेशनला आले, समोरचा व्यक्ती आला होता आणि त्यानेही तक्रार नोंदवली आणि या मुलीनेही तक्रार नोंदवली। त्यानंतर तक्रार नोंदवल्यानंतर पोलिसांचं असं सांगणं होतं की सेटलमेंट करावी जास्तीत जास्त। मग पोलिसांनी त्या समोरच्या व्यक्तीला सांगितलं की सेटलमेंट करून घे, मग त्या तो सेटलमेंटला रेडी झाला, त्याने सेटलमेंट केली। सेटलमेंट केल्यानंतर मुलीकडनंही सेटलमेंट करून घेतली। मुलगी म्हणत होती की मला त्याच्यावरती एफ आय आर करायचा आहे, पण पोलिसांच्या दबावाखाली त्या मुलीला ती स्टेटमेंट द्यावी लागली आणि तिने ते सेटलमेंट पेपरवरती साईन केलं। त्यानंतर 24 तारखेला तो व्यक्ती परत येतो आहे, आल्यानंतर तो स्पष्ट त्याने पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन न विचारपूस करता त्या मुलीच्या या मुलीला न बोलवता त्याने याच्यावरती गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्या गुन्ह्यामध्ये तिथे सहभागी न असलेले माणसं त्यांचंही नाव त्याने त्या गुन्ह्यामध्ये दाखल केलेलं आहे, तर हे कुटपथ होत आहे। आणि पोलीस प्रशासन एवढं महिलांच्या बाबतीमध्ये का कमी पडत आहे, ह्याला कुठेतरी पोलीस प्रशासनाला दबाव आहे। रमेश भटके हे महिलांवर अन्याय करतात, ते महिलांचे ऐकून घे समजून घेत नाहीत महिलांना। मैं बाउंसर हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ था। एक आदमी था कल्पेश्वर, वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था और मुझे गाली दे रहा था। तो मैंने उनको कहा कि अलाउड नहीं है अंदर जाने के लिए, सर आप अंदर मत जाइए। तभी भी उन्होंने गंदी गाली दी मुझे और थप्पड़ मारा और साइड में ऐसा ढकल दिया मुझे। फिर उधर मेरे हेल्प के लिए कोई नहीं था, एक राहुल मोरिया करके मेरे हेल्प के लिए थे। फिर उन्होंने मुझे पुलिस चौकी में बुलाया, फिर कंप्लेंट की हमने, फिर उन्होंने भी कंप्लेंट पीछे ली और मुझे भी कंप्लेंट पीछे लेने के लिए बोला। फिर 8 दिन के बाद उन्होंने कंप्लेंट की तो फिर मुझे भी लगा कि मैं भी कंप्लेंट करूँ फिर से, क्योंकि मेरे साथ भी अन्याय हुआ था। फिर मैं फिर से कंप्लेंट करने आई, मेरी कंप्लेंट ही नहीं ले रहे थे, बोल रहे थे 2-3 दिन के बाद आओ, ऐसा करो वैसा करो। पर छायाताई खंडागले मेरे साथ थी, इन्होंने मुझे बहुत मदद की, इनके वजह से मेरी कंप्लेंट ली और उनके ऊपर केस हो गए। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। अभी क्या मांग है? मेरी कुछ भी मांग नहीं है अभी, मुझे आज कंप्लेंट किया आपने? हाँ, कार्रवाई की, उनके ऊपर केस भी हुआ, इनके वजह से मुझे न्याय भी मिला, बस यही कहना। अरे मेरा ये कहना है महिला लोग का, जब रमेश दत्त के इधर के आमदार है तो महिला लोग का समित करना चाहिए ना, वो तो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो उनको इतना तो सेवा करना चाहिए कि महिला है तो महिला लोग का सपोर्ट करना चाहिए। महिला लोग का विरोधी हो रहे हो तो क्या मतलब है सच्चे? हम लोग कभी से सुबह से 12 बजे से हम लोग चौकी में है। हाँ, यही कारण है। क्या नाम होता है? रमेश लटके। रमेश लटके।